बड़ो बहु गहने किधर रखे से किधर के गहने दरअसल बात यो है ना कि वरदान दिन भर काम में लगा रहता है और प्रज्ञा घर के कामों में व्यस्त रहती है तो दोनों साथ रह के भी साथ ना आए। अगर वो साथ रह के भी साथ ना आए तो उन दोनों को इस घर से जाना होगा। इतना बड़ा टीवी इसलिए यहाँ क्या कर रही है? जब तक यो इस घर में से ना यो मने चैंस जी ने ना देवेगी अगर यहाँ हाथ साफ करना से ना तो पहले तो इसे ठिकाने लगाना होगा। कोमल भाई तूने यहाँ इकट्ठा तो सबको कर लिया से अब ये तो बता आखिर होने क्या वाला है। मैं ना आप सबने खेल के नियम बताती हूँ। इस तकिए ने जल्दी जल्दी एक दूसरे को देते जाएंगे जब तक गाना बजेगा। फिर जब गाना बंद होगा तो वो इंसान आउट हो गया और उसने पर्ची में जो लिखा है वही करना पड़ेगा। ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग की करूं तितली के पापू से कैसे बात करूं आइडिया क्या तोड़फोड़ मचा दी तितली ने। माजी माजी मैंने माफ कर दो मर से गलती से गिर गया मैं अभी साफ कर देती हूँ। रुक जा हाथ में कहां चुभ जाएगा थारे। भाई साहब मैं आपको बाद में फोन करती हूँ फिर तितली से बात करा दूंगी। हाँ तू कुछ मत कर जाके भरपाई को भेज और उसको बोलना झाड़ू पोछा लेके आएगी वो साफ कर देगी भी। जी माँ जी। मारे तो किस्मत ही फूटी से ना जाने की बवाल मचाने ही वो वापस आ गया सर। मारे को तो ना यू घर में चैन ही मिलने वाला ना से जब देखो तब एक नया बखेड़ा के खड़ा हो जावे से। और क्यों ना हो घर में तो लंबी सी नमूनों की फौज खड़ी से ना इधर सास ने मना लो तो पति का मुंह टेढ़ा हो जावे से पति ने मना लो तो सास का मुंह फूल जावे से और अगर दोनों ने मना लो तो पूरा खानदान का मुंह फूल जावे से। मैं करूं तो क्या करूं मारे लिए तो जैसे सामने को और पीछे खाई से कैसे भी यू मुसीबत टली तो पुरानी वाली मुसीबत फिर से वापस आ गई से। अरे पगड़ी पहन के सीधा घर के अंदर घुसे जावे से और मन ने पता तब ने पर इन सब चक्करों में मैं बीच में फंस गई ना मारे को तो कुछ समझ में ना आवे से। भागो आज तो बाल बाल बचे अगर तने तितली के बापू से बात करनी पड़ जाती तो थारी चोरी पकड़ी जाती और तेरी पोल भी खुल जाती पर अब सब ठीक हो गया सर अब तो मस्त रह सके। गिरा दिया मन्ने तू पागल से के ये थारी बापू ने तन्ने यू भी ना सिखा कि यू बड़ी बड़ी आंखें खोल के कैसे चलना से या वो भी मैं ही सिखाऊ तन्ने। एक बात कहूं तन्ने तन्ने अगर वो भी सिखा देना तो वो भी ना सीख पावेगी। एक तो यो घर अनोखा से और तू उस घर के अनोखी मेहमान थारे से ना कुछ ना होने वाला
तू अगर एक दो दिन में एक आधी चीज सीख भी जाएगी और थारी शादी भी हो जाएगी ना, तो भी थारी शादी दो तीन दिन से ज्यादा टिकने वाली ना से बड़ी आई बड़ो बनने। अरे बड़ो के कर लेगी वो तन्ने अपने जैसे बना देगी, फिर जइयो अपने ससुराल और जाके वहां पे कुश्ती लड़ते रहियो, बड़ी आई बड़ो जैसी बननी से। चल भगवान जाने जिसके साथ इसकी शादी होगी उसका क्या हाल होगा। नॉनस्टॉप बुलेट ट्रेन मारे पर गोलियों के बौछार कर गई और मैं इसने कुछ कह भी ना पाई, इतना तो मैंने कभी किसी ने नहीं सुनाया और ना मेरी बेइज्जती कभी किसी ने की से। दीदी कुछ काम निपटाने हैं, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर। मारे को भी काम सर। देखा लखी जी, इसे शर्म के मारे प्रज्ञा के चेहरे पर लाली छा गई। इब तो वो दोनों सिर्फ थोड़ा बखत बिता रहे एक दूसरे के साथ, फिर भी नजदीकियां बढ़ गई है। इब आप देखना, जब वो दोनों साथ में घर गृहस्थी बसा लेंगे ना, तब उनके रिश्ते में नई जान आ जाएगी। चलो मैं एक बार जाके देखती हूँ कि बसंत पंचमी की पूजा की सारी तैयारी होगी और आप बाबू जी से मिल लो, ठीक से? बड़ो देखना ना चाहती या उसे सच्ची में दिखाई ना दे कि उसका भाई वरदान हमारी बहन के संग कैसा व्यवहार कर रहा है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बड़ो को ही बुरा क्यों ना लगे, मैं वरदान का और प्रज्ञा का घर बसने ना दूंगा। और इसके लिए मैंने क्या करना से वो मुझे अच्छे से पता है। आपने मन ने बुलाया दीदी? हाँ जट्टा जी, मैंने आपको जरूर बुलाया से। पर आप मन ने दीदी क्यों बुला रहे? पिंकी जी को भूल कैसे के? दीदी आप मुझे ना गलत समझ रही हो, एक बार आप मेरी बात तो सुन लो। मुंह बंद कर अपना, रिबावली समझ के रखा से के? तू जो बोलेगा मैं वो सुन लूंगी और पिछली गलतियां फिर से दोहराऊंगी। दीदी मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, हजारों गलतियां की हैं, और सबसे बड़ी गलती उस दिन की जिस दिन मैं प्रज्ञा जी को उस दिन मंडप पे अकेला छोड़ गया था। पर दीदी मैं वापस इसलिए तो आया हूं कि जैसे अपनी गलती को सुधार सकूं। और सच बताऊं तो मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रज्ञा जी मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। दीदी हाँ, और मैं भी प्रज्ञा जी से शादी करना चाहता हूँ। और आपको पता है प्रज्ञा जी वरदान के साथ बिल्कुल भी खुश ना है दीदी। प्रज्ञा जी ने तो लाखा से भी बात कर ली है इस बारे में, और लाखा ने वादा किया है कि उसकी वो इस मामले में जरूर मदद करेगा। चिंता ना कर, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। पर अगर पिछली बार की तरह अगर चाह के भी मेरा साथ ना दे पाए मैं क्या करूंगी? तू मन्ने को बता, क्या तू अभी प्रज्ञा से प्यार करता है? अगर तन्ने मौका मिले तो अभी भी तू उससे ब्याह करेगा? खोल मैं। कैसा लगा सूप मेरे टीके को? आज मोको है ना, अपनी मम्मी की याद आ गई। वो क्या कर रहे हो, प्यार से पिलाओ, मन से पिलाओ। लो प्यार से पियो। एक ठो रोटी और खाना है अभी। हाँ मोको, ऐसे को लग रहा है कि जाते जाते एक बार अम्मा जी से बात कर लेनी चाहिए। लेकर आते हैं। अरे देखो मजाक कर रहे हैं पगली, तू बैठ बेटा, आराम से बैठ के खा। कान्हा को नन्हा बालक समझ परीक्षा लेने आए ब्रह्मदेव कान्हा की महिमा देख अचंभित रह जाते हैं। कान्हा इस सृष्टि का रचयिता हूँ मैं, मेरी बिना अनुमति, मेरी बिना अथवा इच्छा के अथवा कोई दूसरा इनकी रचना नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत के ना मिलने पर कालनेमी भगवान विष्णु को दोषी ठहरा आक्रमण कर देता है। सृष्टि जी आप ही चांद देख रही हैं कैसे हमारे जीवन में संकट बन के आया, फिर आप देखिए
ऐसे मुस्कुरा रहा है? जब तुम ऐसे हैरान परेशान होती हो ना, तो और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू।